वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एक ऐसा इवेंट जहां ढेरों अनजान लोग एंजॉय करने आते हैं और कुछ देर के बाद उन्हें वहां पर कुछ गड़बड़ लगने लगता है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि वो सभी लोग बिना जाने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसी बहुत बड़ी कारण की वजह से उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है। अब एक एक करके सभी को उनकी गलतियाँ याद आ रही हैं जिनकी सजा उनको नहीं मिली थी कभी। लेकिन वो कौन है जिसने ये प्लान किया है और वो चाहता क्या इनसे, यही आज हम इस कहानी में देखने वाले हैं, जिसका नाम है विराजी। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि आधी रात में किसी की चिता को जला रहा होता है। तभी वहाँ पर खड़ा एक पंडित उन अस्थियों को एक मटके में भर के उस आदमी को दे देता है। इसके बाद तो वो आदमी उन अस्थियों को लेके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो उन अस्थियों को जमीन पे रख देता है और वहीं बैठ के जोरों से रोने लग जाता है। दोस्तों, ये आदमी कौन है और वो किसकी चिता जला रहा होता है, यह हमें जल्द ही पता चलने वाला है, बस आप रुकिए। इसके बाद हमें 5 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम कहानी के कुछ कैरेक्टर्स को देखते हैं। पहले हम प्रभाकर नाम के एक सब इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में काम कर रहा होता है। तभी कांस्टेबल उसके पास एक कॉलेज के स्टूडेंट को लेकर आता है क्योंकि उसके पास से ड्रग्स के पैकेट मिले होते हैं। प्रभाकर कांस्टेबल से उसको जेल में बंद करने के लिए कह देता है। उसी समय प्रभाकर को उसके ही एक सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है जो उससे एक बिल्डिंग में आने के लिए कह देता है। अब हम राजू नाम के एक फोटोग्राफर को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ एक कपल की फोटो क्लिक कर रहा होता है और इसे सब प्यार से कॉन्सेप्ट राजू भी बुलाते हैं। ये अपनी फोटोग्राफी और वेडिंग शूट्स के लिए काफी फेमस होता है। इसके बाद हम वेदा नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, इसलिए वो जो भी जोक्स लिखती है ना उसे सबसे पहले अपने पति को सुनाती है और उसे ना चाहते हुए भी कई बार वेदा के उन फनी जोक्स को सुनना पड़ता है क्योंकि वाइफ के आगे किसकी चलती है यार। आगे वेदा अच्छी तरह तैयार होकर घर से एक इवेंट में जा रही होती है जहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला इन्हें वहाँ पर लेने के लिए कार भेजता है और उस कार में हम कुछ और लोगों को भी बैठा हुआ देखते हैं जो कि उसी जगह पर जा रहे होते हैं, जिसके बाद ये सभी साथ में उस इवेंट वाले जगह पर जाते हैं एंड वहाँ पहुँचते इनको काफी रात भी हो जाती है। पर फाइनली बड़े लंबे सफर के बाद ये सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ उतरते ही अशोक नाम का एक आदमी जिसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है वो इन सभी को वेलकम करते हुए इन्हें बिल्डिंग के अंदर लेकर जाता है। अंदर दोस्तों रामकृष्णा नाम का एक स्वामी होते हैं, उन्हें भी इस इवेंट में बुलाया गया है। अब स्वामी को देखते ही वहाँ पर कोडांदम नाम का एक प्रोड्यूसर उनके पास जाकर पैर पकड़ लेता है, फिर उन्हें बताता है कि कैसे उसकी हर मूवी एक के बाद एक फ्लॉप होती जा रही है और उसकी दुख भरी कहानी सुनने के बाद स्वामी उसे अपना आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि जाओ, आज के बाद तुम्हारी सारी मूवीज हिट होंगी। वहीं दोस्तों सुधा नाम की एक औरत अशोक से कहने लगती है कि मैं इस इवेंट पे नहीं आई हूँ और यहाँ किसी से मिलने आई हूँ बस। अशोक कहता है कि हाँ मैडम जी, मैं जानता हूँ, आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए। दोस्तों इसी बिल्डिंग में हम सब इंस्पेक्टर प्रभाकर को भी देखते हैं जो कि इस बिल्डिंग की तलाशी ले रहा होता है और अब ये ढूंढ क्या रहा है सब पता चल जाएगा। आगे सभी बिल्डिंग में चारों तरफ घूमने लग जाते हैं और वहाँ की पेंटिंग्स को अच्छे से निहार रहे होते हैं, जहाँ इस जगह की हालत को देखकर इन्हें लग ही नहीं रहा होता है कि यहाँ पर कोई इवेंट होगा क्योंकि ये बिल्डिंग देखने में कई सालों से बंद लग रही है। उसी बीच एक कपल जिनका नाम रामन और कीर्ति है वो यहाँ पर हनीमून मनाने के लिए आए होते हैं। असल में उन्हें इस बिल्डिंग को होटल बताते हुए ये फोन किया गया था कि अगर आप यहाँ पर हनीमून मनाने के लिए आएंगे तो आपको 90% डिस्काउंट मिलेगा, पर यहाँ पर आने के बाद तो इनको पता चलता है कि इनसे झूठ कहा गया था क्योंकि ये बिल्डिंग दिखने में कहीं से भी होटल नहीं लग रही। पर जब वो यहाँ आई गए तो ये भी बाकी सभी लोगों के साथ इवेंट में शामिल हो जाते हैं, पर किस आदमी ने इनसे झूठ कहकर इन्हें यहाँ पर बुलाया ये आगे पता चलेगा। खैर दोस्तों, अशोक इन सभी को बड़े से हॉल में बुलाता है और वहाँ पर रखे हुए चेयर पर बैठने के लिए कहता है। इनके साथ सब इंस्पेक्टर प्रभाकर भी इस इवेंट में होता है। इसके बाद अशोक वहाँ पर रखे हुए एक पेपर को हाथ में लेके पढ़ने लग जाता है और एक एक करके कुछ रैंडम्स लोगों के नाम लेते हुए इन सभी से कहता है कि नामों को सुनने के बाद आप सभी को कुछ याद आ रहा है और जो आपको याद आ रहे हैं, मतलब जो लोग आपको याद आ रहे हैं, वो आपकी वजह से मारे गए। दोस्तों ये सुनने के बाद सभी शौक के मारे अपनी जगह से उठ खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। यहाँ सबसे पहले वो प्रोड्यूसर कोदांदम को बताता है कि तुम्हारे पास भार्गवी नाम की एक लड़की आई थी जिसको मूवी में काम देने के नाम पर तुमने उसके साथ बहुत गलत काम किया और उसको मार दिया। फिर स्टैंड अप कॉमेडियन वेदा जो की फ्रेंडशिप के नाम पर सेल्वी नाम की एक लड़की की मौत के कारण बनी। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट राजू जिसकी झूठी गवाही की वजह से संध्या नाम की एक लड़की मारी गई। अगला सब इंस्पेक्टर प्रभाकर से कहा जाता है कि तुमने सागर नाम के लड़के को मार कर मौत के घाट उतार दिया और फिर एक्सीडेंट के नाम पर केस क्लोज कर दिया। और रामकृष्णा स्वामी तुमने प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई को ही मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद फेमस सर्जन डॉक्टर सुधा ने पैसे टाइम पर ना मिलने से सीता नाम की एक लड़की का ऑपरेशन नहीं किया जिससे उसकी जान चली गई। लास्ट रामना और कीर्ति
तुम दोनों दारू पीकर गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी की टक्कर लगने से एक छोटे बच्चे की मौत हो गई, और फिर भी तुम दोनों पीछे मुड़कर नहीं देखे कि क्या हुआ, सीधा गाड़ी लेकर निकल गए। अशोक इतना पढ़ने के बाद आगे पढ़ नहीं पाता क्योंकि अब उसके बारे में भी उस पेपर में लिखा हुआ होता है। तो स्वामी रामकृष्णा आगे का पढ़ने लग जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि अशोक तुमने होटल में कैमरा छुपा के लड़कियों की वीडियो बनाई और उनको ब्लैकमेल किया और इस तरह उनकी जिंदगियों से खेला, और इस तरह उसमें लिखा होता है कि तुम सभी ने किसी न किसी को मारकर उनकी जिंदगी खराब की है और खुद खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हो, पर इसकी सजा तुम सभी को मिलेगी, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आज की रात तुम सबकी आखिरी रात है, ये सब कुछ उसमें लिखा होता है। एंड ये सब कुछ सुनने के बाद प्रोड्यूसर को अशोक पर काफी गुस्सा आता है कि तभी वो उसको मारते हुए कहता है कि तुमने हम सबको यहाँ पर बुलाया है और अब हमारे साथ ये नाटक कर रहे हो। अशोक कहता है कि सर मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मुझे एक हफ्ते पहले मेल आया था कि मैं आप सभी को यहाँ पर बुलाऊं और बिल्डिंग में एक एनवलप रखा होगा, उसे ठीक 8 बजे खोल के पढ़ो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। आगे डॉक्टर सुधा इन सभी से कहती है कि असल में ये इवेंट हॉल है ही नहीं, ये एक मेंटल असाइलम है जो कि 1970 में बनाया गया था, और ये मेंटल असाइलम पागल लोगों के लिए बनाया गया था, उन्हें यहाँ पर रखा करते थे। उसी दौरान पेशेंट की काउंसलिंग के लिए एक रशियन डॉक्टर को यहाँ पर लाया गया था, पर उस डॉक्टर को लगा कि ये पेशेंट पागल नहीं है, इन्हें किसी आत्मा ने पजेस किया हुआ है, इसलिए उसे सभी पेशेंट पर एक एक्सट्रीम टॉर्चर मेथड यूज करना पड़ा जिससे सभी पेशेंट एक एक करके मौत के घाट उतरने लगे। और जब ये बात बाहर पता चली तो इस मेंटल असाइलम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सुधा आगे कहती है कि जब मैं MBBS कर रही थी उसी समय मैंने इस हॉस्पिटल के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज मैं हैरान हूँ कि इसी हॉस्पिटल में मैं खड़ी हूँ। और दोस्तों अब इस जगह के बारे में जानने के बाद सभी डर के मारे कांपने लगते हैं। उसी वक्त SI प्रभाकर सभी से कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, अगर कोई मेरे साथ चलना चाहेगा तो चलो वरना मैं तो अकेले ही जा रहा। जिसपे राजू और प्रोड्यूसर उसके साथ जाने लगते हैं, पर हैरानी की बात तो ये थी कि बाहर इन्हें एक भी कार नहीं दिखाई देती, जिससे ये लोग काफी शौक हो जाते हैं कि कहां गई, पर फिर भी ये चल के जाने का फैसला करते हैं। अब ये तीनों एक साथ जा ही रहे होते हैं कि तभी प्रोड्यूसर को टॉयलेट आती है, वो दोनों से कहता है कि आप लोग चलो मैं आता हूं। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ये देखते हैं कि प्रोड्यूसर कहीं रह गया है, वो इन्हें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा होता है। दोस्तों इस पर प्रभाकर और राजू उसको ढूंढने के लिए वापस पीछे जाते हैं, तभी ने कुछ दूरी पे खून के धब्बे दिखाई देते हैं, और जैसे ही वो उस खून को फॉलो करते हैं ना तो एक झाड़ी में इन्हें प्रोड्यूसर कोदांधम की लाश दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको एक रॉड से मारकर उसकी हत्या कर दी। उसी वक्त इनके पास एक कार गुजरती है, तभी डर के मारे राजू और प्रभाकर झाड़ियों में कूद जाते हैं जिससे इनको चोट लग जाती है और ये दोनों वहीं पर बेहोश। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एंडी नाम का एक लड़का इस पुरानी बिल्डिंग में आता है जो कि थोड़ा लेट हो गया था इवेंट में आने से, और साथ ही दोस्तों जो थोड़ी देर पहले कार गुजरी थी वो एंडी ही चला रहा था। अब आते ही एंडी अशोक से सीधा ड्रग्स मांगने लगता है, लेकिन अशोक उसको वो पेपर लाकर देता है जिसमें वो सारी चीजें लिखी थी, जिसमें एंडी के बारे में लिखा होता है कि उसने अपने दोस्त का मर्डर किया है, और ये पढ़ने के बाद वो काफी शॉक। दूसरी तरफ SI प्रभाकर को जैसे ही होश आता है वो देखता है कि राजू कहीं दिख नहीं रहा, जिस पर वो उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उसको एक जगह राजू की लाश दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था कि किसी नोकीली चीज से मारकर उसको बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया गया है। इसके बाद प्रभाकर वापस भागते हुए उसी बिल्डिंग में जाता है और हांफते हुए सभी से कहता है कि प्रोड्यूसर और राजू की मौत हो चुकी है। ये सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जरूर कोई तो है यहाँ पर, और एक साथ वो यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। पर जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं ना तो उन्हें वहाँ पर इवेंट मैनेजर अशोक की लाश दिखाई देती है, जिससे डरकर सभी अंदर चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। वहीं दूसरी ओर एंडी इन सभी चीजों को बड़ी लाइटली लेते हुए वहीं टेबल पर रखे हुए वाइन को पीता है कि तभी वो रामना और कीर्ति से पूछता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे आए। रामना उसे बताता है कि कैसे हनीमून ऑफर के चक्कर में हम यहाँ पर फंस गए। अब एंडी वहाँ पर खड़ी सुधा को ड्रग्स का इंजेक्शन देते हुए कहता है, क्या आप ये ड्रग वाला इंजेक्शन मुझे दे सकती हो। उसी वक्त दोस्तों स्वामी जी ये देखकर गुस्से में उस इंजेक्शन को दूर फेंक देते हैं, और फिर क्या था, एंडी स्वामी जी पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या आप जानते हैं कि वो कितना कॉस्टली था, इतनी मुश्किल से खरीदा मैंने। इसके बाद एंडी एक ओइजा बोर्ड बनाने लगता है स्पिरिट गेम खेलने के लिए। वो सभी से कहता है कि इसकी मदद से अभी जो लोग मरे हैं उनकी आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछताछ करेंगे। स्वामी को लगता है कि ये क्या कर रहा है एंड वो उसकी बेवकूफी को देखकर वहाँ से बाहर चले जाते हैं, पर उनका पीछा करते हुए वेदा भी उनके पीछे जाती है और कहती है मुझे इन सभी मर्डर के पीछे एंडी का ही हाथ लग रहा है। लेकिन स्वामी उसे कहता है कि नहीं, वो एक पागल लड़का है, वो कैसे ये सब कुछ कर सकता है, वैसे भी जब अशोक की मौत हुई थी तो वो हमारे साथ ही था। तभी अचानक से स्वामी के मुंह से झाग निकलने लगता है और उसी जगह पर खड़े खड़े उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वेदा तभी जोरों से चिल्लाती है जिससे सभी वहां पर आ जाते हैं, और स्वामी की लाश देखकर सभी के डर के मारे हालत खराब। उसी वक्त उन्हें पता चलता है कि सांप के काटने की वजह से इनकी जान गई। तभी दोस्तों हम सुधा को देखते हैं, वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रही होती है, लेकिन एंडी अभी भी अपनी जगह से उठा नहीं होता। वो वहीं उसी जगह पर बैठे बैठे सभी से कहता है
कि मैं अब स्वामी की आत्मा को बुलाने वाला हूँ, क्योंकि ताजा ताजा उनकी मौत हुई है तो वो यहीं कहीं घूम रहे होंगे। और ये फालतू की बात सुनकर एसआई प्रभाकर काफी गुस्से में आ जाता है। तभी वो गुस्से में वहाँ पर रखी हुई बोतल उठाकर एंडी के सर पर मार देता है। फिर भी दोस्तों एंडी इस पर कुछ रिएक्ट नहीं करता और सभी से कहने लगता है कि मैंने गलत क्या किया ये बताओ, मैं तो आप सभी की मदद करना चाह रहा था। जिसके बाद किसी भी तरह दोस्तों माहौल को शांत किया जाता है। वेदा सभी को बताती है कि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और मुझे मेल आया था कि मुझे एक इवेंट में परफॉर्म करना है। साथ ही उसमें ये लिखा था कि वो अपनी कार भेजेंगे मुझे लेने के लिए। फिर सुधा बताती है कि मुझे कहा गया था कि मिनिस्टर की बीवी को कुछ हेल्थ इश्यूज हैं और वो मेरे लिए गाड़ी भेजेंगे। जिसके बाद प्रभाकर बताता है कि मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि इस जगह पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज होने वाली है और मैं वही देखने के लिए आ गया। इनकी बातें होती है तो कीर्ति को टॉयलेट आती है, तो रामना और कीर्ति ऊपर की तरफ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सुधा कुछ अजीब सा बिहेव करने लगी है दोस्तों, उसे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। इसी के चलते वो जैसे ही ऊपर जाकर देखती है, उसे वहाँ पर रामना और कीर्ति की लाश दिखाई देती है। दोनों रस्सी से लटक रहे होते हैं। ये देखकर सुधा काफी जोरों से चिल्लाती है कि क्या हो रहा है। सुधा की आवाज सुनकर बाकी सभी लोग भी ऊपर आ जाते हैं। उसी समय सुधा को चक्कर आता है, पर वेदा उसे किसी भी तरह संभालती है। अब एंडी सभी से कहता है कि ये कौन है जो एक एक करके सभी को मार रहा है, और दुनिया में तो कई सारे लोग हैं जिन्होंने क्राइम किया है, पर इसने सिर्फ हमें क्यों बुलाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बीच कोई ना कोई कनेक्शन है। जिसके बाद एंडी सभी से कहता है कि आप सभी मुझे बताओ कि आपने क्या क्राइम किया है, देखते हैं हम सब में कॉमन क्या है। इसीलिए वेदा सबसे पहले अपनी स्टोरी बताती है कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन से पहले एक बैंक में काम करती थी। उस वक्त सेल्वी नाम की एक लड़की जो कि कैशियर के पोस्ट पर हमारे बैंक में न्यूली ज्वाइन हुई थी, कुछ ही दिनों में हम काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। और एक दिन मेरे पापा को हार्ट अटैक आया और उनके ऑपरेशन के लिए मुझे 10 लाख की जरूरत थी। इसलिए मैंने सेल्वी से पैसे मांगते हुए कहा कि मुझे दे दो, मैं कुछ दिनों में तुम्हें लौटा दूंगी। पर अचानक से बैंक में अगले दिन इंस्पेक्शन वाले आ गए और बैंक में पैसे कम दिखने की वजह से उन्होंने बिना कुछ सुने ही सेल्वी को अरेस्ट कर लिया। जिसके बाद सेल्वी ये बदनामी झेल नहीं पाई और उसने आत्महत्या कर ली। फिर एनडी एसआई प्रभाकर से कहता है कि सर अब आप अपनी क्राइम स्टोरी बताओ। एसआई दोस्तों कहने से पहले बहुत सोचता है। तभी एनडी कहता है कि ठीक है सर, पहले मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि मेरे फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही थी। एक दिन मैंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया, फिर मैंने वहीं मेरे फ्रेंड को गन से शूट कर दिया। वो तो थैंक्स टू माय फादर जिन्होंने मुझे कैसे भी करके जेल से बाहर निकाला। आगे एंडी प्रभाकर को दोस्तों फोर्स करता है अपनी स्टोरी बताने के लिए। प्रभाकर बताता है कि एक दिन सागर नाम का लड़का मेरे पास एक कंप्लेन लेकर आया था, जहां दोस्तों सागर एसआई से कहता है कि सर एक छोटा सा गांव है, रिसेंटली तूफान आने की वजह से सब डूब गया। पिछले सालों में भी तूफान आया था पर उस गांव का कुछ नहीं हुआ, पर इस बार वो गांव डूब गया है। असल में बात यह है कि समुद्र और गांव के बीच में कुछ रेत थी और वही रेत इस गांव को तूफानों से बचा रही थी, पर एक कंपनी रेत की स्मगलिंग करने लगी जिस वजह से रेत खत्म हो गया और यही कारण है कि तूफान आने पर गांव पानी में डूब गया। तो सर ये सब मानुरा नाम की कंपनी कर रही है, साथ ही इस स्कैम में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी शामिल है। फिर दोस्तों सागर ये सारे एविडेंस की फाइल प्रभाकर को देने लगता है, पर तभी प्रभाकर बाहर जाके ये सारी बातें एजुकेशन मिनिस्टर को कॉल पर बताने लगता है कि सर मेरे पास एक लड़का आया है आपकी कंप्लेंट लेकर। मिनिस्टर उससे कहता है कि देखो तुम कोई भी दूध के धुले नहीं हो, वैसे भी मैं तुम्हें अभी 10 लाख रुपए भेज रहा हूँ, उस लड़के को रास्ते से हटा दो। और इसके बाद प्रभाकर सागर को पुलिस स्टेशन में ही मार मार कर खत्म कर देता है और अपने कांस्टेबल से कहता है कि इसे एक्सीडेंट का केस लिख दो, ये लिख देना कि दारू पीकर गाड़ी चला रहा था। फिर दोस्तों हम प्रेजेंट में देखते हैं, एंडी टेबल का कैंडल बुझा देता है, जिसके कुछ देर के बाद ही एंडी नृत्य करते हुए एसआई प्रभाकर के सामने आता है और एक शॉकिंग बात यहाँ पर रिवील होती है कि यहाँ कोई भी आदमी मरा नहीं होता, सभी जिंदा होते हैं। जिसके बाद सभी सामने आ जाते हैं। आगे सुधा प्रभाकर को मारते हुए पूछती है कि बताओ तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। दोस्तों यहीं से सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां हमें पता चलता है कि सुधा, वेदा, राजू, कुदांधम, रामकृष्णा, रामना, कीर्ति और अशोक ये सभी एक ही फैमिली के मेंबर हैं और ये इन सभी के असली नाम भी नहीं है दोस्तों। असल में ये सभी घर में सागर की शादी की तैयारी कर रहे थे। तभी सुधा को पता चला कि उसके बेटे की मौत हो गई, जिस पर सुधा अपने बेटे को देखने के लिए मॉर्चरी में गई तो उसे वहाँ अपने बेटे के शरीर पर कई सारे निशान दिखाई दिए, जिससे उन्हें इतना तो पता चल गया था कि इसकी मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई है, जरूर किसी ने इसको मारा है। और मूवी की शुरुआत में जिस आदमी को अस्थियां लेते हुए दिखाया गया था वो कोई और नहीं अशोक होता है दोस्तों, सागर का भाई। इसके बाद उसकी माँ शिवजी के मंदिर जाकर भगवान से सवाल करने लगती है कि हे भगवान,
मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। इतना कह के वो मंदिर की सीढ़ियों पर अपना सर पटकने लगती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश। तभी वहां पर एंटी आता है, जिसका असली नाम विराजी है। वो सागर की माँ को होश में लाता है और पूछता है कि माँ जी आपको परेशानी क्या है, जिस पर वो इसे सब कुछ बताती है कि किस तरह मेरे बेटे को मार मार कर एक्सीडेंट का केस बना दिया गया, जबकि मेरे बेटे को तो ड्राइविंग भी नहीं आती थी। ये सब कुछ सुनने के बाद विराजी बताता है, मेरी माँ को नाट्य काफी पसंद था जो कि उन्होंने मुझे सिखाया है, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं हर साल इस मंदिर में आके नाट्य करता हूँ, अपनी माँ की परंपरा को निभाते रहता हूँ। आप एक काम कीजिए, आपके बेटे का मामला मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको इंसाफ दिला के रहूंगा। आपको इंसाफ दिलाने के बाद ही मैं अपना नाट्य पूरा करूंगा। जिसके बाद दोस्तों विराजी सागर की माँ के साथ उनके घर पर जाता है और सभी फैमिली वालों को अपना प्लान बताते हुए उन सभी को एक एक रोल देता है। जिसके बाद ये सभी लोग इस बिल्डिंग में आकर अपना अपना अच्छा सा रोल करते हैं। और अब आपको बताइए क्या हुआ था। सीन यहां से प्रेजेंट में आता है, जहां प्रभाकर ने जो भी कन्फेस किया था वो सब कुछ विराजी रिकॉर्ड कर चुका था। इसके बाद पुलिस वाले आकर प्रभाकर को अरेस्ट करके लेकर जाते हैं और इन सभी लोगों ने ये ड्रामा दोस्तों प्रभाकर का सच सामने लाने के लिए किया, उसको सजा दिलवाने के लिए किया। है ना मस्त मूवी, मतलब बहुत टाइम के बाद देखने को मिलती है ऐसी मस्त मूवी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।